कौन कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ईगो ऐप शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने ईगो के कुछ फंक्शंस और फीचर्स भी आपके साथ शेयर की थी, तो अगर आपने देखी नहीं है तो आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ और ईगो के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये ईगो ऐप है तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये बैलेंस जो है ना आपको नज़र आया होगा -58.83 है। तो ये माइनस क्यों आया है तो आपको मैं इसका रीज़न इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मेरे एक फ्रेंड का है, तो उस पर इसने राइड किया था। तो राइड इस तरह हुआ था कि एक दफ़ा इन्होंने राइड लिया था लेकिन राइड में लेट हो गए थे, वो जा नहीं पाए तो वो तो कैंसिल हो गई राइड, जो है ना पैसेंजर ने राइड कैंसिल कर दी। उसके बाद दूसरी दफ़ा इन्होंने राइड एक्सेप्ट कर दिया था, फिर भी नहीं गए। तो फिर अगले दिन उन्होंने इस तरह किया है, तो ईगो ने उनको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया था ईमेल के थ्रू कि आप जो है आपको पेनल्टी लगी हुई है। और उन्होंने जो उनका बैलेंस जो है, ये देखिए आपको मैं दिखा देना चाहूँ, तो उनका बैलेंस -35 उन्होंने डिडक्शन कर दी। उसके बाद ज़ीरो बैलेंस हो गई थी, उसके बाद उन्होंने और जो है ना डिडक्शन कर दी थी -58 आप चली गई। अब आप जो है ना अगर इनकेस ये अमाउंट डालेंगे विड्रा या यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे तो ये जो है ना -58 फर्स्ट ये है इंडिया डिडक्शन होगी, उसके बाद जो है ना और वॉलेट में पेमेंट आएगी, क्योंकि इसके बगैर आप राइड नहीं कर सकते। अगर इन केस आप ऐप ऑन करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको ये नज़र आएगा यू आर ऑन अ स्ट्राइक एंड बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब बट यू हैव टू चार्ज योर बैलेंस टू रिसीव मोर राइड्स। तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अगर राइड एक्सेप्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप राइड तक पहुँच जाए। अगर इन केस पैसेंजर जो है ना कॉल नहीं मिलता और रिप्लाई नहीं देता तो ये तो बहुत रेयर केस हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है। तो आप जो है ना ईगो पे हेल्प से मतलब वो सपोर्ट से आप पूछ सकते हैं, उनसे अपनी मांग सकते हैं कि इस तरह मुझे इशू फेस हो रहा है, तो आपको जो है ना उस टाइम वो रिस्पॉन्स दे देंगे। तो इसमें आप एहतियात कीजिएगा क्योंकि फिर आपको पेनल्टी लगती है। तो पेनल्टी से बचने के लिए आप सपोर्ट्स में खामखा कॉन्टेक्ट किया करें, उनको बताएं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनकेस यहाँ पे इतने जो है ना आपको ये फीचर नज़र आएंगे, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अर्निंग के हवाले से, बैलेंस चार्ज के हवाले से, चेंज माई व्हीकल डिटेल्स, इनकेस अगर आपने गाड़ी चेंज की हुई हो आप उसको चेंज यहाँ से कर सकते हैं। माई अकाउंट सेटिंग जो है ना इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ड्राइवर इन्फो या फ़ोटो या डिलीट माई कॉल या कांट एक्सेस कोई इशू आ रहा है अकाउंट में या अदर क्वेरीज जो आपकी ईगो के हवाले से कोई इशू हो तो आप इसमें अपना जो है ना वो इशू उसको बता सकते हैं। सपोर्ट मैसेज में आप यहाँ पे आपको सारे मैसेज नज़र आ सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि यहाँ पे जो है ना ईगो पे आप इस चीज़ को देखा करें, क्योंकि कभी कभार आपको जो है ना वो पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए अब जो है ना वैसी आपको पेनल्टी लग जाएगी, आपको बैलेंस जो है ना वो फिर डालना पड़ेगा क्योंकि राइट इसके बगैर आप नहीं कर सकते। कम से कम आपको 100 रियाल जो है ना वॉलेट में वो डिपॉज़िट करने को होंगे। तो ये भी है, अब कुछ लोग जो है ना वो मुझसे विड्रा के हवाले से पूछ रहे थे। तो विड्रा का ये सीन है कि अब मैंने मतलब मेरे फ्रेंड ने या मैंने इस तरह हुआ था मेरे ऐप में, तो 100 रियाल मैंने डाला हुआ था, तो उसमें मैंने प्लस माइनस काफ़ी मैंने राइड्स किए थे, ऑलमोस्ट 270-280 राइड्स किए थे। तो वो वही 100 रियाल होते हैं, तो कभी प्लस हो जाते हैं, कभी माइनस हो जाते हैं, कभी कस्टमर आपको कैश देते हैं, कभी STCP और कभी ऑनलाइन डिपॉज़िट कर लेते हैं। तो ये होता है कि आपको कभी कभार जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती आपको विड्रा करने की, क्योंकि ईगो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी या मुझे किसी और ने मुझे बताया। लेकिन अगर कोई भाई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ईगो विड्रा किस तरह होता है, तो विड्रा इस तरह होता है कि आप कोशिश किया करें, कभी कभार कस्टमर जो है ना पैसेंजर आपको पेमेंट दे देते हैं तो आपको विड्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो कैश हो जाती है। तो डिडक्शन जो है ना वो आपकी वॉलेट से सिर्फ ईगो के जो चार्जेस होते हैं वो आपके डिडक्शन कर लेते हैं, आपको तो कैश मिल जाती है। अगर इन केस फिर भी आपका इशू है, आपके पैसे काफ़ी जो है ना वो वहाँ पे मतलब आपके अमाउंट यहाँ पे जमा हो गई, तो आप सपोर्ट में जाकर हेल्पलाइन में आप अर्निंग के हवाले से बता सकते हैं कि मुझे अर्निंग चाहिए या मुझे विड्रा चाहिए, तो आपको जो है ना वो रिप्लाई दे देंगे। तो ये जो है ना ईगो ये भी सपोर्टिव है, क्योंकि कभी कभार मुझे भी इशू आ जाता है ईगो में, तो मैं पूछ लेता हूँ उनको या इकामा अपडेट करना हो या कुछ और होता है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी बेस्ट है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ईगो इस तरह और ऐप्स भी है, जेनी भी है, बोल्ट भी है और उसके अलावा जो है करीम भी है,
लेकिन मोस्टली जो है ना, मैंने सुना है कि जो ईको का रेट है वो काफ़ी चीप है, तो आप कोशिश किया करें कि बस अगर ईको, क्योंकि कभी अब रिसेंटली जो मैंने सुना हुआ है सऊदीज़ के नाम पे बनते हैं, अभी ऑनलाइन बनता भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बनाया था तो अभी जो एक फ्रेंड था वो बनाना चाहता था लेकिन सऊदी के नाम पे बनते हैं तो वो भी रिस्की होता है। तो आप इस तरह कोई देख लें जो ट्रस्टेबल पर्सन हो, तो आप उनसे आईडी बनवा लें तो आपके लिए उसमें फ़ायदा होगा। तो ये जो है ना, इसमें आप एहतियात क्या करें, ईगो के लिहाज से आपको जो है ना ज़्यादातर राइट्स, इसमें ज़्यादातर फीमेल्स भी होती हैं मेल भी होते हैं, तो वो जो है ना डिपेंड करता है, तो काफ़ी जो है ना अच्छा है। आप इनके ऐसे रियाद में ही चलाना चाहते हैं, रियाद में भी बेस्ट है, अगर रियाद में अगर हैं आप तो कुछ किया गया कि जो सेंट्रल एरिया है ना वहाँ पे राइड लिया करें, क्योंकि वहाँ पे राइड सेंट्रल एरिया काफ़ी बेस्ट है, लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ईगो वहाँ पे। कभी कभार आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, ईगो के साथ अगर आप ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखा करें कि अगर इनके सामने ऑर्डर लिया हुआ है तो आप ईगो ऐप ना ऑन किया करें, क्योंकि उसके बाद जो है ना आपको वेट करना पड़ेगा, पैसेंजर भी वेट करेगा, तो आपको अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो आपके लिए फिर जो है ना पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। तो ये जो है ना, आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ईगो जो है ना वो काफ़ी बेस्ट है, उसके साथ डिलीवरी का काम भी करें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। कभी कभार जो है ना ऑर्डर्स आ जाते हैं ईगो पे राइड नहीं आता, या कभी कभार ईगो पे राइड आ जाता है तो आप जो है ना डिलीवरी को ऐप को क्लोज करके आप जो है ना ईगो पे काम कर सकते हैं, तो इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा है। तो मैंने कहा है कि चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर की, तो काफ़ी लोग जो है ना वो इन्फॉर्मेशन वो पूछते हैं, उनको उनके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना क्वेश्चंस आपके लिए रिजर्व कर लूँ, और कभी कभार जो है ना मेरे जहन में भी वो क्वेश्चंस नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप अगर आपका कोई भी इशू हो आप जो है ना कमेंट बॉक्स मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ काइंडली जो है ना मेरे चैनल को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, और लाइन्स भी लाजमी जो है ना कमेंट कर दिया करें, और लाजमी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना व्यू करके आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें लोगों के साथ, ताकि जो लोग हैं जो यहाँ पे सऊदी में रहते हैं तो उनके लिए आसानी हो। तो ये जो है ना मेरी जो है ना ये एक आपसे रिक्वेस्ट है, और आप जो है ना अगर कोई भी आपका इस तरह कोई इशू हो डिलीवरी के हवाले से या कुछ भी इशू हो, तो आप मुझे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप वहाँ से जो है ना वो भी देख सकते हैं, और मेरे और वीडियोस भी हैं ऐप्स के हवाले से, अगर ऑनलाइन ऐप्स के हवाले कोई मसला है, या जॉब्स के हवाले से या डिलीवरी जॉब्स के हवाले से, तो आप जाके वहाँ से वीडियो को से देख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।